कौन कौन है ये संदीप रेड्डी वांगा जिसने अपनी चौथी ही मूवी में क्रिटिक्स को पोपट दिखाते हुए इंडियन सिनेमा के लिए वॉयलेंस की डेफिनेशन चेंज कर दी, बॉबी देओल जैसे बंदे का इतना बैडएस कमबैक करवा दिया, अपना कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना होने की वजह से अपनी पहली मूवी अर्जुन रेड्डी के लिए अपने पुरखों की 36 एकड़ जमीन बेच दी ताकि एक चांस मिले। क्या है वांगा का नो डांस रूल और क्यों भाई बंदा इतने सेंसिटिव और एट द सेम टाइम इतने कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स को अपनी मूवीज की स्टोरीज में एड करता है, ये सब जानेंगे। बस अगर चैनल पे नए आए हो तो फिर एक बार सब्सक्राइब बटन को स्लैप जरूर कर देना। अबे कर यार सब्सक्राइब, रुका हूं मैं। खैर संदीप रेड्डी वांगा बेसिकली एक साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर है जहां अपनी अर्ली लाइफ में अपनी फिजियोथेरेपी की पढ़ाई में मन ना लगने के कारण वांगा ने तय किया कि अब वो फिल्म मेकिंग के धंधे में उतरेंगे। लेकिन जैसा कि एक सक्सेसफुल मूवी डायरेक्टर बनना कोई कच्चे बादाम पे डांस करने जितना आसान नहीं है, तो भाई वांगा ने अपनी घिसी जहां दो मूवीज में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने के बाद 2 साल एक ही स्टोरी के ऊपर जम के तैयारी की और लिखी अर्जुन रेड्डी। लेकिन असली मामला तो तब फंस गया जब सारे प्रोड्यूसर्स ने अपने पैसों को अर्जुन रेड्डी जैसे एक शेडी कैरेक्टर पर लगाने से मना कर दिया। लेकिन उस समय वांगा का नसीब इतना ज्यादा अच्छा था कि उसका साथ उसकी फैमिली ने दिया, जहां अपने पुरखों की 36 एकड़ जमीन बेचने के बाद फाइनली अर्जुन रेड्डी तैयार हुई और रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो गई। जहां अगर वैसे देखा जाए तो वांगा ने अभी तक एनिमल से पहले सिर्फ 2 ही मूवीज और 1 ही स्टोरी को पर्दे पर लाया है, एक तो अर्जुन रेड्डी और दूसरी उसी की रीमेक कबीर सिंह, जहां बहुत से लोगों को ये मूवी पसंद आई और बहुत से लोगों ने इसे नापसंद भी किया। लेकिन वॉयलेंस का मामला तो असलियत में तब शुरू हुआ जब कबीर सिंह के ही वक्त एक इंटरव्यू के दौरान वांगा ने ये बात बोल के दिखाई कि अगर ये लोग कबीर सिंह को वॉयलेंट फिल्म बोल रहे हैं तो अब मैं इन्हें दिखाता हूँ कि असली वॉयलेंस क्या होता है। एंड डूड ही जस्ट डिड। जहाँ सिर्फ मूवीज में काटपीट दिखाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर अपनी राइटिंग के थ्रू किसी एक कैरेक्टर को लेकर दहशत कैसे पैदा की जाती है ये वांगा को अच्छे से पता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल में जब रणबीर और रश्मिका की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ बलबीर सिंह को कुछ बोलने पर भाई रणबीर का कैरेक्टर बौखला जाता है, पहले तो वो उसका गला पकड़ लेता है और अंदर जाके शॉटगन ले आता है, जहाँ 2 मिनट के लिए ऑडियंस को भी लगता है कि भाई ये इसका खोपड़ा आप खोल देगा। जहाँ भाई ऐसी राइटिंग करने के लिए भी गूदा चाहिए। वांगा जानता है कि मूवी के किन किन चीजों को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी होने वाली है, लेकिन ही भाई डजंट गिव अ फक। उसके मुताबिक उसने अगर हरामी कैरेक्टर लिखा है तो वो हरामी गिरी ही करेगा ना। जहाँ वांगा की मूवीज में गाने भी एक बहुत बड़ी वैल्यू एड करते हैं, इनकी मूवीज में आपको बहुत खूबसूरत हद से खूबसूरत गाने तो मिल जाएंगे, लेकिन एक भी आइटम सॉन्ग या कमर्शियल डांस देखने नहीं मिलेगा, बल्कि वो उन्हीं गानों के जरिए अपनी आगे की स्टोरी को प्रोग्रेस कर देते हैं, जो कि वो उस मोमेंट को और भी ज्यादा ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एंड दैट्स व्हाई वो गाने हमारे साथ एक लंबे समय के लिए रह भी जाते हैं। खैर आज की वीडियो को और भी ज्यादा लंबा ना करते हुए आपके संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म मेकिंग को लेकर क्या ओपिनियंस है कमेंट्स में जरूर शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।